हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मेरे एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए थे कि पचनदा घूमने के लिए, जो बकेवर से करीब 70 से 80 किलोमीटर है। और पचनदा घूमने के लिए हम लोग चकन नगर से पार करते हुए पचनदा की पुल पर खड़े हुए हैं इस टाइम, जो आप लोग देख सकते हैं इधर पर। ये पूरा पचनदा का पुल है, जो पीछे मेरे ये पचनदा है इधर पर। और आप देख सकते हैं कि एक ज्वाली नदी है जो इधर पर गई है। इधर से आइए, और जो चम्मेल है एक चम्मेल इधर से आइए अपनी तरफ से, इधर से। और एक जिस चम्मेल की कोई नदी होगी, इसका नाम नहीं मालूम है, उधर से आइए। और इसके पीछे दिखाते हैं हम एक नदी जे है। सो इन दोनों का संगम को ही पचनदा कहलाते हैं। ऐसे कि पांच नदियों का समूह को हम पचनदा कहते हैं। और हम लोग खड़े थे पुल के ऊपर पचनदे के, और आप लोग सामने देख सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों कि जैसा कि सामने आप हम लोग पुल पर खड़े हुए इस टाइम। और पुल से आप लोग देख सकते हैं, एक सामने से वो रिवर गई हुई है इधर पर, जो संगम के बनने के बाद निकलती है, वो उधर से निकल जाती है। और आप लोग देख सकते हैं कि एक इधर से वो सामने से आई हुई। और ये मंदिर आप देख रहे हैं सामने, ये कालेश्वर मंदिर का इधर पे है। तो हम मंदिर पे जाएंगे, उधर की लोकेशन भी आपको दिखाएंगे, और उधर की जो नीचे से आपको ब्रिज दिख रहा है उधर पे जाएंगे, उसकी लोकेशन दिखाएंगे। मतलब इधर पाँच नदियों का समूह है, जो जिससे हम लोग पचनदा कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं, एक इधर से आए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, इधर से एक ये नदी हुई है, और एक जो मंदिर की बाई तरफ से नदी आई हुई है, और एक उधर से सामने से नदी आई हुई है, और एक जी है। यानी चार पांच नदी हैं, तो इनको पचनदा का नाम दिया गया है, जो पचनदा बोलते हैं। अगर आप लोग इधर पर आएंगे तो किसी से पचनदा के बारे में पूछेंगे तो पचनदा के बारे में इधर ही बताया जाएगा आपको। और पांच नदियों का संगम कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं पूरा कितना व्यू है इधर। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं मंदिर की तरफ, और दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, हम लोग चलते हैं मंदिर की तरफ गाइस। तो फाइनली हम लोग जो पचनदा से चल के आए थे इधर पे, और मंदिर पे पहुंच चुके हैं, जो महाकालेश्वर महाराज धाम पंचायत है, तो उधर पहुंच सके। आप लोग देख सकते हैं इधर पे, और हम लोग अंदर चलते हैं ये, और आप लोग ये सामने देख सकते हैं जो नदियों का संगम बनाया हुआ है, उसके नाम लिखे हुए हैं। जो कि लिखा हुआ है आपको शायद दूर है, इसलिए नहीं दिख रहा है, जो कि सिंधु नदी यमुना नदी का संगम मिलता है, और क्वारी नदी और सिंधु नदी का भी संगम और नदी का मिलता है, जो पहुज नदी है, एक पहुज नदी, सिंधु नदी और यमुना नदी और चंबा नदी का भी, मतलब पांच नदियों का समूह इधर पर मिलता है, जो पचनदा कहलाता है इधर पर। हम लोग को आए, और आप लोग देख सकते हैं मंदिर, और हम लोग चलते हैं इस टाइम अभी मंदिर के ऊपर, जो कि ये है सामने मंदिर, और ऊपर को दिखाते हैं आपको
मेरे साथ बने रहिए गाइस। दोस्तों इसका इतिहास बहुत लंबा और बहुत पुराना इतिहास है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो इधर के लोग थे, जो उन्होंने लोग थे इधर पर जो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, यानी कि बोलते थे स्वतंत्र सेनानी उन्हें बोला जाता था, जो उसमें भाग लिए थे उसमें से एक का निधन हो गया था, यानी ख़त्म हो गए थे, शहीद हो गए थे उसमें युद्ध में, और बाकी जो थे जो विश्व युद्ध से लौट कर आए थे और उन्होंने विजय प्राप्त की थी। जो सामने इनका पोस्टर भी लगा हुआ है तो हम आपको दिखाते हैं सामने, जैसा कि ये पूरा लिखा हुआ है आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकर है शहीद दुर्जन सिंह परिहार बांसरी एवं उनके अन्य चुनता क्षेत्र के साथियों, आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों, काफ़ी पुराना। और मेरे दोस्त पहुँच चुके ऊपर, तो हम लोग चलते हैं ऊपर। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा मंदिर का व्यू है, इधर से काफी बड़े लोग आते हैं इधर पे दूर दूर से और इसके दर्शन करते हैं। ये सामने मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं इधर पे। इसका व्यू आपको पूरा दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपको सारा व्यू इधर का दिखाया, और ये अभी का मंदिर नहीं है, ये बहुत प्राचीन और जमाने का ये मंदिर बना हुआ है। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जो आपको मैंने नीचे दिखाया, जो कि स्वतंत्र सेनानी थे, इन्होंने अपना बलिदान भी दिया इसमें और विजय भी प्राप्त की। जो इधर के 90 आदमी लोग थे उन्होंने इधर पर अपने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया और विजय प्राप्त करके लौटे। तो उन्होंने ये उसके पहले भी ये मंदिर स्थापित था जो पचनदाएँ पर मिलती हैं, पांच नदियों का संगम बना हुआ है। ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर, क्योंकि इधर से काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और जो बाहर से टूरिस्ट भी आते हैं उनका भी इधर पे देवता लोग जो हैं उनका सम्मान करते हैं वो लोग, और पूजा वगैरह करते हैं। और आप लोग चारों तरफ देख सकते हैं व्यू इधर भी, और पीछे देख सकते हैं उधर पर जो मंदिर बना हुआ है उधर भी देख सकते हैं कि इधर पर एक और मंदिर है, जो उसका व्यू आप लोग देख सकते हैं। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं एक ये मंदिर बना हुआ है, ये देख सकते हैं सामने, जैसे कि कोई देवी का फोटो है, उनके जो संतान थे वो हाथों में लिए हैं ये लोग, देख सकते हैं आप लोग। अब हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ। जैसा कि आपने ये सारा व्यू इधर का देख ही लिया है, तो हम लोग चलते हैं फिर जो संगम थोड़ी पंच नदी का दिखता है उसको नीचे से जो आपका व्यू है वो आपको दिखाते हैं, और दोस्तों बने रहिए मेरे संगे। दोस्तों जैसा कि हमने इधर का आपको व्यू पूरा दिखा दिया है और मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, तो हम लोग चलते हैं अब पंच नदी की तरफ, जो कि नीचे का व्यू है वो आपको दिखाएंगे, और हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ। दोस्त मेरे संग में बने रहिए। दोस्तों फाइनली हम लोग ऊपर से नीचे आ गए हैं और आप लोग सामने देख सकते हैं इधर काफ़ी मगरमच्छ भी हो सकते हैं, तो हम लोग को बहुत देख कर चलना पड़ा है क्योंकि ये इधर पर काफ़ी मगरमच्छ। मैंने ऊपर पूछा जो बाबा लोग रहते हैं उन लोग से पूछा, तो उन्होंने बोला है कि नीचे जाना मगर नीचे और ज़्यादा ना जाए क्योंकि मगरमच्छ बैठे रहते हैं। तो मेरे साथ चलते रहिए, आपको दिखाते हैं मैं आपको। Thank you.
आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, तो सामने से एक चम्मच उधर से आई है, फिर चम्मच और यमुना उधर से आई हुई है, और एक इधर से आई हुई है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। जो हम लोग जो पुल था आपने देखा है वो सामने, वो पुल बना हुआ है उधर से, और हम लोग उधर ही खड़े थे। जब शुरू में हमने आपको बताया जो पांच नदियों का संगम था, तो उधर पे उधर से खड़े हुए थे, उधर से आपको दिखाया था व्यू, तो हम लोग उसके बाद नीचे आ गए हैं, जो कि आप लोग इधर का नज़ारा देख सकते हैं, पूरा देख सकते हैं इधर का कितना इधर। जब मतलब अभी हम लोग को लेट हो गया इधर आने में, जब अगर चम्मच चढ़ी होती है तब, अगर बारिश का चौमासे बोलते हैं ऐसे बारिश होती है तो इधर गाँव में, और जब बारिश होती है तो ये पूरा इधर पर जो मंदिर है पूरा इधर पर भर जाता है, पूरा मतलब इधर पर कुछ नहीं रहता, पूरा पानी पानी हो जाता है, और उधर को व्यू आइटम उस बाजू का व्यू आप लोग देख सकते हो, पूरा खुला खुला है। तो उधर का वैसे इधर पर मगरमच्छ अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे हैं जो छोटे छोटे, उनकी आपको हम तस्वीरें दिखा सकते हैं, वो उधर से देखने को मिल सकते हैं आपको। अब हम और नीचे जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं इधर पे, इधर कुछ मगर हैं जो कि हम लोग चलते हैं हम दोस्तों की तरफ, और जिस सामने आप देख सकते हैं नाव है, जो कि नाव में तरफ जो लोग घुमाते हैं, शायद पैसे भी लेते होंगे, लेकिन तरफ कोई नहीं, और घूम सकते हैं आप लोग, काफ़ी लोग हैं, नाव जगह मजबूत बनी हुई, तो ये नाव है। दोस्तों जैसा कि मैंने बकेवर से चलते हुए पचनेता पहुंच गए थे, और उधर का सब व्यू आपको दिखाया, मंदिर का व्यू दिखाया, पचनेता का व्यू दिखाया, उधर से मैं पुल पर खड़ा था, पुल से इधर पर दिखाया आपको, नीचे आया जो पेड़ खड़ा था उधर का व्यू दिखाया। दोस्तों इस ब्लॉग का भी यहीं अंत करते हैं, और आपसे बस एक ही निवेदन है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों संग शेयर जरूर करना। जो वीडियो हम अपलोड कर रहे थे अभी मेरा केवल YouTube पे ही अपलोड कर रहे थे, और आज से मैंने सोचा कि यह वीडियो अपने Instagram में उस पर भी डालता हूँ, और जो Facebook है उस पर भी। तो आप लोग मेरे Facebook पे दोस्त अगर देख रहे हो तो Facebook पे लाइक करके आप लोग YouTube पे आ सकते हैं, और YouTube पे आने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों संग जितना हो शेयर कीजिए, और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और जो हम लोग जहाँ नहीं जा सकते उसकी वीडियो आप लोग तक पहुंचाएंगे और आपकी इंटरेस्टिंग बढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पचनेता से बकेवर से आने के बाद दिखाया कि 70-80 किलोमीटर हम लोग बकेवर से आए, उसका व्यू दिखाया, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करिए, और मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, और बने रहिए मेरे संग दोस्तों, और मिलते हैं बाद में। जय हिंद, जय भारत।